श्री चाणक्य नीति पांचवा अध्याय। ब्राह्मणों को अग्नि की पूजा करनी चाहिए, दूसरे लोगों को ब्राह्मण की पूजा करनी चाहिए, पत्नी को पति की पूजा करनी चाहिए तथा दोपहर के भोजन के लिए जो अतिथि आए उसकी सभी को पूजा करनी चाहिए। सोने की परख उसे जिस कर काट कर गर्म करके और पीत कर की जाती है, उसी तरह व्यक्ति का परीक्षण वह कितना त्याग करता है, उसका आचरण कैसा है, उसमें गुण कौन से है और उसका व्यवहार कैसा है इससे होता है। यदि आप पर मुसीबत आती नहीं है तो उससे सावधान रहे, लेकिन यदि मुसीबत आ जाती है तो किसी भी तरह उससे छुटकारा पाए। अनेक व्यक्ति जो एक ही गर्भ से पैदा हुए हैं या एक ही नक्षत्र में पैदा हुए हैं, वे एक से नहीं रहते। उसी प्रकार जैसे बेर के झाड़ के सभी बेर एक से नहीं रहते, वह व्यक्ति जिसके हाथ स्वच्छ है कार्यालय में काम नहीं करना चाहता, जिसने अपनी कामना को खत्म कर दिया है वह शारीरिक श्रृंगार नहीं करता, जो आधा परा हुआ व्यक्ति है वे मीठे बोल नहीं सकता, जो सीधी बात करता है वह धोखा नहीं दे सकता। मूर्ख लोग बुद्धिमानों से ईर्ष्या करते हैं, गलत मार्ग पर चलने वाली औरत पवित्र स्त्री से ईर्ष्या करती है, बदसूरत औरत खूबसूरत औरत से ईर्ष्या करती है। खाली बैठने से अभ्यास का नाश होता है, दूसरों को देखभाल करने के लिए देने से पैसा नष्ट होता है, गलत रंग से बुवाई करने वाला किसान अपने बीजों का नाश करता है, यदि सेनापति नहीं है तो सेना का नाश होता है, अर्जित विद्या अभ्यास से सुरक्षित रहती है, घर की इज्जत अच्छे व्यवहार से सुरक्षित रहती है, अच्छे गुणों से इज्जतदार आदमी को मान मिलता है, किसी भी व्यक्ति का गुस्सा उसकी आंखों में दिखता है, धर्म की रक्षा पैसे से होती है, ज्ञान की रक्षा जमकर आजमाने से होती है, राजा से रक्षा उसकी बात मानने से होती है, घर की रक्षा एक दक्ष गृहिणी से होती है। जो वैदिक ज्ञान की निंदा करते हैं, शास्त्र सम्मत जीवन शैली की मजाक उगाते हैं, शांतिपूर्ण स्वभाव के लोगों की मजाक उगाते हैं, बिना किसी आवश्यकता के दुरैक को प्राप्त होते हैं, दान गरीबी को खत्म करता है, अच्छा आचरण दुरैक को मिटाता है, विवेक अज्ञान को नष्ट करता है, जानकारी भय को समाप्त करती है, वासना के समान दुष्कर कोई रोग नहीं, मोह के समान कोई शत्रु नहीं, क्रोध के समान अग्नि नहीं, स्वरूप ज्ञान के समान कोई बोझ नहीं। व्यक्ति अकेले ही पैदा होता है, अकेले ही मरता है, अपने कर्मों के शुभ अशुभ परिणाम अकेले ही भोगता है, अकेले ही नरक में जाता है या सद्गति प्राप्त करता है। जिसने अपने स्वरूप को जान लिया उसके लिए स्वर्ग तो तिनके के समान है। एक पराक्रमी योद्धा अपने जीवन को तुच्छ मानता है, जिसने अपनी कामना को जीत लिया उसके लिए स्त्री भोग का विषय नहीं, उसके लिए संपूर्ण ब्रह्मांड तुच्छ है, जिसके मन में कोई आसक्ति नहीं। जब आप सफर पर जाते हो तो विद्यार्जन ही आपका मित्र है, घर में पत्नी मित्र है, बीमार होने पर दवा मित्र है, अर्जित पुण्य मृत्यु के बाद एकमात्र मित्र है, समुद्र में होने वाली वर्षा व्यर्थ है, जिसका पेट भरा हुआ है उसके लिए अन्न व्यर्थ है, पैसे वाले आदमी के लिए भेंट वस्तु का कोई अर्थ नहीं, दिन के समय जलता दिया व्यर्थ है, वर्षा के जल के समान कोई जल नहीं, खुद की शक्ति के समान कोई शक्ति नहीं, नेत्र ज्योति के समान कोई प्रकाश नहीं, अन्न से बढ़कर कोई संपत्ति नहीं, निर्धन को धन की कामना, पशु को वाणी की कामना, लोगों को स्वर्ग की कामना, देव लोगों को मुक्ति की कामना। सत्य की शक्ति ही इस दुनिया को धारण करती है, सत्य की शक्ति से ही सूर्य प्रकाशमान है, हवाएं चलती है, सही में सब कुछ सत्य पर आश्रित है। लक्ष्मी जो संपत्ति की देवता है वह चंचला है, हमारी श्वास भी चंचला है, हम कितना समय जिएंगे इसका कोई ठिकाना नहीं, हम कहाँ रहेंगे यह भी पक्का नहीं। कोई बात यहाँ पर पक्की है तो यह है कि हमारा अर्जित पुण्य कितना है। आदमियों में नाई सबसे धूर्त है, कौवा पक्षियों में धूर्त है, लोमड़ी प्राणियों में धूर्त है, औरतों में लंपत औरत सबसे धूर्त है। ये सब आपके पिता है, एक जिसने आपको जन्म दिया, दो जिसने आपका यज्ञोपवीत संस्कार किया, तीन जिसने आपको पढ़ाया, चार जिसने आपको भोजन दिया, पांच जिसने आपको भयपूर्ण परिस्थितियों में बचाया, इन सबको अपनी माता समझे। .1 राजा की पत्नी 2, गुरु की पत्नी 3, मित्र की पत्नी 4, पत्नी की माँ 5, आपकी माँ।